आई एम ज्योतिका, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिका क्रिएटिविटीज। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आज मौसम काफ़ी खूबसूरत है, तो इस खूबसूरत से मौसम में आइए आज हम बात करते हैं खूबसूरत से फ्लावर प्लांट की, जो कि मोस्ट पॉपुलर एनुअल एंड ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट है, जिसका नेम है ब्लैंकेट फ्लावर गलार्डिया, जो कि बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। इसका जो फूल है काफ़ी अट्रैक्टिव सा है, जो कि एक ये परमानेंट प्लांट है। इसमें जो है बहुत सारे कलर्स आते हैं, येलो, ऑरेंज, मस्टर्ड। इसमें जो है दो तरह के फूल आते हैं, सिंगल पेटल एंड डबल पेटल। मेरा जो ये प्लांट है सिंगल पेटल प्लांट्स है, जो है लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसकी कोई वाटर की रिक्वायरमेंट है, ना ही इसे कोई फर्टिलाइज़र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि इसकी सॉइल में ऊपर की लेयर, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जब इसकी ऊपर की लेयर सूख जाए तो ही आपने इसमें, ये देखिए एकदम वेल ड्रेन सॉइल, जब आपको लगे कि ऊपर की वेल एकदम बिल्कुल सूख चुकी है ऊपर की लेयर, तो ही आपने इसमें पानी देना है। अगर आपको कभी लगे कि इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है, तो आपने इसके प्लांटर के ड्रेनेज होल का ख्याल रखना है कि ड्रेनेज होल्स में से वाटर ड्रेन हो रहा है या नहीं। सर्दियों में आप इसे एक बार और गर्मियों में आप इसे दिन में दो बार पानी दीजिए। इसके फ्लावर जो हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, जो आप इस पे पानी का आपने स्प्रिंकल नहीं करना। अगर आप इस पे पानी का स्प्रिंकल करेंगे तो इसके फ्लावर गिल्ले होके गिर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके सीड्स कलेक्ट करने हैं तो आपने इसके ओल्ड फ्लावर को कट नहीं करना, पुराने फूलों को नहीं तोड़ना, नहीं तो अदरवाइज आप इसके स्पेंट फ्लावर है जो उनको तोड़ते रहें और जो येलो लीव्स है उनको भी कट करते रहें। ये देखिए मेरे इस प्लांट्स में तो कोई येलो लीव्स भी नहीं है और ना ही कोई स्पेंट फ्लावर है, क्योंकि मैं इनको तोड़ती रहती हूँ टाइम टू टाइम। इससे क्या है कि आपका प्लांट काफ़ी हैवी घना घुशी सा रहेगा, और जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर रखी है, इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेज को भी आपने जो है कट करना है, इससे जो है नई नई स्टॉक निकल के आएगी। फ्रेंड्स, आपने जो है टाइम टू टाइम इसकी ब्रूनिंग करते रहना है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें नई नई बर्ड्स आएगी। ये देखिए मेरे प्लांट्स में बर्ड्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बर्ड्स, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, काफ़ी बर्ड्स आई है उसमें नीचे भी, और इस छोटे से प्लांट में भी देखिए, ये देखिए इसकी बर्ड्स नई नई घेरी, एक, दो, तीन, चार, काफ़ी सारी बर्ड्स आई हुई है इसमें। क्या होगा कि आपका प्लांट्स जो है काफ़ी घना रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। और दोस्तों, आजकल जो है काफ़ी आंधियां हो रही है, अगर आपके इस प्लांट्स पर डस्ट जमा हो जाती है तो आपने उसको वाटर का स्प्रे नहीं करना, स्प्रिंकल नहीं करना पानी का, इससे क्या होगा आपके प्लांट्स पर मिलीबग्स का अटैक हो सकता है। बस आपने इसके नीचे स्टेम्प के पास ही वाटरिंग करनी है, पानी जो है यहाँ स्टेम्प के पास ही पानी देना है। और दोस्तों, आपने इसमें क्या करना है, 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है, ताकि इस पर कोई कीड़े मकोड़े आदि का अटैक ना हो सके। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। आपने जो है इसकी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना गर्मियों में, सर्दियों में जो है आप इसे रख सकते हो डायरेक्ट सनलाइट में। अब गर्मियों में जो है आपने इसको 4 से 5 घंटे की धूप आए वहीं पे इसको रखना है। फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो हमारा ये प्लांट बर्न हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात होगी इसकी फर्टिलाइज़र की भी, सनलाइट की भी, वाटरिंग की भी, तो प्रेपोगेशंस। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने इस प्लांट को किस तरह से प्रेपोगेट करा है। फ्रेंड्स, मैंने जो है इस प्लांट को सीड से
प्रेपोगेट किया है। आप चाहे तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। मैं जो है किसी गार्डन में से इसका एक ये ऐसे फ्लावर ले आई थी पका हुआ। दोस्तों इसके जो सीड्स होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, आपने उनको इस तरह से ऊपर लेयर से नहीं बनानी अपने प्लांटर के ऊपर, नहीं तो वो या तो उड़ जाएंगे हवा से या इसके अंदर डीकम्पोज हो जाएंगे। दोस्तों आपने क्या करना है, इसके सीड्स को इस तरह से स्प्रिंकल करके आपने जो है इसे स्प्रिंकल करके इसके ऊपर मिट्टी की हल्की सी लेयर बना देनी है। इसको जो है ज़्यादा अंदर डीप मिट्टी में नहीं दबाना, नहीं तो ये डीकम्पोस्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपने जो है इसे 15 दिन तक शेड में रखना है, इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, और ये 15 दिन में आपके जो सीड्स हैं जर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए मेरा ये सीड्स से ही मैंने तैयार किया है, आपके सामने है रिजल्ट्स। फ्रेंड्स जो ये मेरे अदर प्लांट्स हैं उसमें से ये सबसे खूबसूरत प्लांट है मेरा, ना केयर ना फर्टिलाइज़र। स्टार्टिंग में तो मैंने इसे कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, बस इसकी स्टेम्प के पास एक चम्मच हल्दी पाउडर देती थी। उसका भी हल्दी पाउडर का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाना है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। फ्रेंड्स जब ये बड़ा हुआ तो मैंने इसमें काउडन कंपोस्ट एंड किचन वेस्ट मैन्योर देती रही, और जब ये इसकी नई नई बर्ड्स बनाने लगा तो मैंने इस पर ज़्यादा फूल लाने के लिए बनाना पील्स फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में देती रही। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे प्लांट्स की नीड्स। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कुछ DIY जो कि मैंने अपने खुद से ही पत्थर को पेंट करके तैयार करे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एक पत्थर को पेंट करके मैंने बनाई, एक फिश देखिए, ये देखिए मेरे कुछ DIY, ये देखिए। ये मेरा स्टोन आर्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, गार्डनिंग करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।